आईसीआईसीआई बैंक में 6,082 करोड़ रुपए का नया घोटाला सामने आया है। एक गुमनाम शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच होने के बाद इसका पता चला है। बैंक के मुताबिक 31 लोन खातों के बारे में शिकायत मिली है, जिसकी जांच की गई और अंतरिम रिपोर्ट नियामक को सौंप दी गई है। बैंक ने बताया कि इस मामले में अगली कार्रवाई ऑडिट कमेटी के आदेश पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि ये खाते 31 मार्च 2012 के अंत में और 31 मार्च 2017 के बीच एनपीए के थे, जबकि दो खाते 31 दिसंबर 2017 के दौरान के थे। इन 31 मामलों में 31 मार्च 2018 तक लोन 6,082 करोड़ का था, जो कि कुल लोन का करीब 1.1% था। गौरतलब है कि इससे पहले वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन मामले में स्वतंत्र जांच का सामना कर रही बैंक की सीईओ और एमडी चंद्रा कोचर मामले की जांच पूरी होने तक छुट्टी पर हैं।